धन्यवाद, कृपया विराजमान हो जाइए, शुक्रिया। अर्चना कहते हैं इंसान सही दिशा में चले तो उसकी दशा भी ठीक रहती है। बिल्कुल। और अगर गलत दिशा में चला जाए तो उसकी दशा खराब होने में एक सेकंड लगता है। फॉर एग्जांपल, आदमी घर से ऑफिस की तरफ निकलता है तो सीधा ऑफिस जाए सीधी दिशा में ठीक रहता है, ठीक रहता है। थोड़ा सा पड़ोसन के घर की तरफ मुड़ गया तो बीवी उसी समय दशा खराब कर देती है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, घर की दिशा जो होती है ना वो सही करवाने का काम होता है वास्तु वालों का। जैसे वास्तु वाले ने पांडे को बोला कि तू अपने घर के पीछे खिड़की निकलवा ले। कहता क्या हवा आएगी? कहता हवा नहीं आएगी, जो धार मांगने वाले आते हैं ना तेरे को भागने में आसानी होगी। ऐसे ऐसे काम करते हैं ये लोग। आप देखना, छोटे शहरों में ना एक 50-55 साल का एक आदमी जरूर रहता है जो हर किसी को सलाह देता है। अच्छा, तू IIT निकाल, बैंक के एग्जाम आ रहे तो वो निकाल। जैसे मड आइलैंड में आप कहीं चले जाओ तो परमीत सर, अर्चना मैम के हस्बैंड जो हैं, अक्सर नौजवानों को सलाह देते हुए मिल जाएंगे। क्या? कि बेटा बैंक के पेपर निकाल, तू IIT निकाल, तू NDA निकाल। एक बंदे ने पूछ लिया, सबको निकलवा रहे हो, आपने क्या निकाला है? कहता मैंने अर्चना पूरन सिंह के साथ सारी जिंदगी निकाल दी। ये कम है? अच्छा, आजकल तो रोड पे डायरेक्शन के लिए गूगल मैप आ गया ना, पहले तो लोगों से पूछ के जाते हैं। लोग बताते हैं सर जी सीधा जाना है, उसके बाद दाएं मारना, वो सामने मिश्र जी का घर है। अच्छा, गूगल मैप और आम आदमी में क्या फर्क है? गूगल मैप जो है, जो रटा रटा है वही बोलता है। वो ये बता देगा कि ट्रैफिक है, ये नहीं बताएगा कि गली में शादी हो रही, टेंट बांध रखा है, वहां मत जाओ। गूगल में ये आ जाएगा देयर इज अ क्योस, ये नहीं आएगा कि वहां पे दो सांड लड़ रहे हैं, उधर नहीं जाना, सींगों पे उठा लेंगे। तो प्रैक्टिकल जो चीज है वो कभी फेल नहीं होती। अब देख लो, हमारे तो दुनियादारी ऐसी है, भेड़ चाल किसको बोलते हैं? एक भेड़ चल रही है, सारी भेड़े पीछे पीछे चल रही है। इंसान कभी एक दूसरे के पीछे नहीं चलता, कोई इधर है तो कोई इधर है। चार इंसान अगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो समझ जाओ पांचवा उनके कंधे पे है। मतलब फितरत ऐसी है इंसान की। ये तो हुई आम जिंदगी में डायरेक्शन की बात। फिल्मों में देख लो, डायरेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी की डायरेक्शन में सारी फिल्म का जो ताना बाना बुना जाता है, अगर वो थोड़ा सा हिला तो सारी फिल्म मिल जाती है। और आज हमारे बीच जो मेहमान आने वाले हैं ये हैं हमारी इंडस्ट्री के नामचीन डायरेक्टर्स। प्लीज वेलकम दिल बेटा इश्क मस्ती और धमाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले मिस्टर इंद्र कुमार। वेलकम वेलकम, जोरदार तालियां इंदु सर के लिए। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं नो एंट्री, सिंग इज किंग, वेलकम भूल भुलैया 2 जैसी कई धमाकेदार फिल्में देने वाले मिस्टर अनीस बज्मी। अनीस भाई बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां अनीस भाई के लिए। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं, हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाले मिस्टर सतीश कौशिक साहब। इंदु सर, अनीस भाई, सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेम आप सब और आप सबको भी। मैं दर्शकों बता दूं, हमारे तीनों मेहमान जो है आज के इतने टैलेंटेड, इतने धुरंधर डायरेक्टर हैं, ये चाहे ना तो मुझे लेके भी फिल्म बना सकते हैं। बनाते भी वो अलग बात है। सर आप बहुत बहुत स्वागत, आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, आप सब जानते हैं इंदु सर जो हैं बेसिकली गुजराती हैं, अनीस भाई भी बेसिकली गुजराती हैं, ये हैं तो पंजाबी लेकिन ये भी गुजराती हो चुके हैं। हर तरफ से धंधा पकड़ रहे हैं ये। एक्टर तो हैं ही, राइटर भी हैं ये, डायरेक्टर भी हैं, रेडियो पे ये काम कर रहे हैं, टीवी पे, OTT, इवेंट्स, सब कुछ। सर इतना काम करने के पीछे क्या रीजन है? आपको घर पे बैठना पसंद नहीं है या आपकी मैडम को आपका घर पे बैठना पसंद नहीं है? हर तरफ छाए हुए हैं आप। एक्चुअली जहाँ से हम लोग आए हैं ना, जहाँ से आप भी आए हो जी नॉर्थ से, और जिनको फिल्मों में काम करने का शौक होता था उनको तो बस काम मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, और काम करते रहो करते रहो, यही आपकी इच्छा होती है। Absolutely. और हम सब उसी को बिलोंग करते हैं। अनीस भाई, कभी कभी इंसान दूसरे को देख के मन में आ ही जाता है, सतीश सर को देख के कभी आपके मन में नहीं आया कि यार
डायरेक्टर ये भी है, डायरेक्टर मैं भी हूँ, अगर ये भी एक्टिंग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा मतलब बिगनिंग में स्टार्ट में मैंने छोटे मोटे काम वाम किए थे एक दो फिल्मों में जहाँ मैं राइटिंग कर रहा था, डायरेक्टर ने बोला भाई एक्टर नहीं आया आप कर लो। अच्छा। तो करता था मैं, लेकिन हमेशा मुझे लगा कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है एक्टिंग का, ये मुझे थोड़ा मैं पीछे रहूँगा। और आप इतने इतने बड़े एक्टर्स को समझाते हैं, जैसे मैंने इंदू सर का भी देखा कब से बेटा दिल के टाइम पे आप, और आपने इतना मेंटेन करके रखा अपने आप को, चमक भी इतना रहे इंदू सर आप। आपका मन नहीं किया क्या भाई ये मैं जो अनिल कपूर को समझा रहा हूँ कि ऐसे माधुरी के साथ रोमांस करना है, मेरे दिमाग में है, मैं क्यों नहीं कर सकता? कभी मन तो किया होगा इंदू सर? हाँ एक दो बार किया, लेकिन फिर बीवी को देख के वापस आ गया। मैंने निज भाई सुना आपने भी शत्रु सर के एक बचपन का रोल किया। जी, 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 क्या बात कर रहे हैं आप, सीरियसली? नसीब फिल्म में, नसीब फिल्म में बिगनिंग में वही था कि थोड़ा छोटी मोटी दो तीन पिक्चर चार पिक्चर में और किया मैंने, लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैंने राज कपूर साहब को ज्वाइन किया उसके बाद मुझे एक्चुअली क्या है कपिल भाई, कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो क्या क्या नहीं करना है वो मेरी समझ में आ रहा था क्या करना है। तनीष भाई पैसे गिन लिए सारे? तो भूल भुलैया 2 के 300 करोड़ हुए वो। काश मैं मतलब इसमें प्रोड्यूसर भी होता तो, अभी हमारा काम यह है सर कि मुझे लगता है मुझे कई अभी बिजनेसमैन मिले तो वो बताए कि सर हमने ये एक फैक्ट्री खोली है आज से 20 साल पहले और थोड़ी मेहनत की और अब काम चल रहा है। तो वो एक फैक्ट्री खोलकर आराम से हमारे यहाँ है कि हर वक्त हमको एक नई जमीन खरीदनी है, मतलब स्क्रिप्ट बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है और फिर वो फैक्ट्री मालिक को देकर निकल जाना है। क्या बात, और ये ऊपर वाले ने आपको सर दिया ऐसा टैलेंट। अच्छा सतीश सर को आपने कितने क्यूट क्यूट फनी कैरेक्टर्स में देखा है? आपने कैलेंडर के कैरेक्टर में देखा है, पप्पू पेजर के कैरेक्टर में देखा है, शराफत अली के कैरेक्टर में देखा है, और फिल्मों से जैसे ये ओटीटी में आए इनके धार्मिक मुंह से अधार्मिक वचन सुनने को मिले। पहली बार मेरे को विश्वास नहीं हुआ, सतीश सर गालियां दे रहे हैं। तो सर ये स्क्रिप्ट में देते हैं आपको या डायरेक्टर ये बोलता है कि ये है आपकी स्क्रिप्ट, गालियां स्वाद अनुसार? भाई तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर और राइटर ने जो लिखा होता है जी वो देते हैं, और दूसरा कई बार क्या होता है ना, एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, अपनी ऑडियंस को शॉक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप शॉक हुए कि कैसे धार्मिक मुझसे धार्मिक वर्ड निकल रहे हैं जी, तो ये ऑफ कोर्स डायरेक्टर देता है कि आपको इस तरह का किरदार करना है, तो उसको करने की कोशिश की और अलग तरह के किरदार कर रहा हूँ असल में, जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने मुंडवा भी लिया कि इससे पहले इससे पहले कोई मेरे बाल नोचे मैं खुद ही गंजा हो जाऊं। आप जो भी करते हैं बहुत बहुत कमाल करते हैं सतीश सर। और बड़ा बड़ा मौका मिल जाता है कि दिल में तो होता है कई लोगों को गालियां देना, आदमी दे नहीं पाता तो चलो रोल आ गया बड़ास निकाल लो। हालांकि नॉर्मल लाइफ में होता है ऐसा है ना, गालियों के बिना क्या बात, एक्चुअली बिल्कुल सही बोला। गालियां जो है मुझे लगता है कपिल भाई हम लोग डायलॉग लिखते हैं ना, तो मैं तो लिखता हूँ अपने दिल में काफी गालियां आती है तो लिखता हूँ, और मुझे लगता है अगर गालियां अलाउड होती है तो वो जो एक्सप्रेशन गालियों में आते हैं ना वो डायलॉग में कभी नहीं आते। राइट, नहीं बिल्कुल ट्रू फैक्ट है ये। अच्छा आप इंदू सर की पहली फिल्म में देखो आप राजा बेटा मन रिश्ते, फिर ये शरारती हो गए, फिर धमाल मस्ती, मस्ती ग्रेट ग्रैंड मस्ती ये सब आना शुरू हो गया, और फिर सडनली थैंक गॉड के साथ ये फिर से धार्मिक हो गए। आप मानते हैं इंदू सर ले दे के इंसान बाद में फिर धार्मिक हो ही जाता है? ऐसी बात नहीं है, अब वापस शरारत पे उतरूंगा। अच्छा। थोड़े एक मौका था शरीफ होने का, अब फिर बदमाश हो जाएंगे, हटेंगे नहीं आप? नहीं बिल्कुल सर, हम चाहते भी नहीं आप हटे। इंदू सर जब आपने धमाल बनाई थी उसमें एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, हीरोइन नहीं थी जी, सारे ही लड़के थे धमाल वन में। हाँ तो ऐसी ऐसी जब फिल्में होती हैं जिसमें कोई एक्ट्रेस ना हो तो एक्ट्रेस टाइम पे आ जाते हैं? एक्ट्रेस छोड़ो आप खुद टाइम पे पहुंच जाते हो? हाँ तब रोते धोते लेकिन काम कर गए और बहुत अच्छा काम कर गए। हाँ। मेरी धमाल वन वो तो बेस्ट धमाल। अच्छा अनीस सर ने भी जब फिल्म बनाई रोमांटिक फिल्म प्यार तो होना ही था, इतनी खूबसूरत फिल्म, उसके बाद इन्होंने कॉमेडी फिल्में बनाई, रोमांटिक फिल्में बनानी छोड़ दी। सर उसके बाद आपका रोमांस से विश्वास उठ गया या किसी ने बोल दिया था कि अनीस डोंट बज मी? नहीं नहीं, क्या है कपिल भाई कि मैंने वो प्यार तो होना था बनाई और उस वक्त मैं एक फिल्म लिख रहा था सस्पेंस थ्रिलर दीवान की। अच्छा तो मुझे
वो फिल्म बनाने में बीच में मतलब वो फिल्म के हिट होकर दूसरी पिक्चर बनाने में 3 साल लगे, क्योंकि सब लोग ये चाह रहे थे कि मैं रोमांटिक फिल्म ही बनाऊं। यहाँ तक के फिल्म का जो ट्रायल देखा था यश जी ने, तो यश जी ने मुझे एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था, बोले अनिल यार तुम बहुत अच्छी तरह से रोमांटिक फिल्म बना सकते हो, ये छोड़ना नहीं। उसके बाद मैंने सेकंड पिक्चर जो बनाई अपना दीवान की, तो वो सस्पेंस थ्रिलर थी। तो फिर बहुत सारी फिल्में आई सस्पेंस थ्रिलर, लेकिन उस टाइम पे मैं बनाना चाह रहा था कॉमेडी, तो फिर मैंने लिखी नो एंट्री और फिर नो एंट्री बनाई। क्या बात है। तो हाँ, तो बीच में 3-3, 4-4 साल का गैप रहा सारी हिट होने के बाद भी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करते हैं भाई, कुछ सोचना नहीं है, जो उस टाइम पे लगेगा वो करेंगे। तो अभी मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ, बीच में अभी जो शुरू करूंगा एक एक्शन कॉमेडी बना रहा हूँ। तो अभी हॉरर मैंने कभी बनाया नहीं था जी, तो ये भूल भुलैया जो है वो मैंने बोला ऐसी हॉरर लोग हंस के मर गए उसको। कॉमेडी हॉरर। पर कपिल मैं आपको एक बात बताऊं, ये अनीस बज़मी जो है ना, बहुत जो होते हैं ना कि फिल्म के आदमी होते हैं, क्योंकि जिसने राज कपूर के साथ काम किया हो आप समझ लो कि उसकी सेंसिबिलिटी कमर्शियल सिनेमा के बारे में क्या होगी। बिल्कुल। जावेद साहब मुझे किस्सा बताते हैं कि वहां से कुछ ऐसा हुआ किसी स्पीच लिखने के लिए या कुछ सीन लिखने के लिए वो कुछ ऐसा आया कि उनको भेजा गया कि हमारे एक असिस्टेंट ने लिखा है, पर जावेद साहब आप इसे ठीक कर दीजिए, इसे ठीक कर देंगे तो हमको वो अच्छा हो जाएगा। तो वो अनीस बज़मी एक यंग राइटर का लिखा हुआ कोई पीस था, वो जावेद साहब के पास आया ठीक करने के लिए। जावेद साहब मुझे बताया कि मैंने वो पढ़ा और मैंने उनसे कहा कि इसमें से एक वर्ड मत चेंज कीजिएगा, बिकॉज जनरल के ने कमाल का लिखा असल में। क्या बात है। और दूसरा किस्सा मुझे ये याद है कि एक्चुअली मैंने इनको अंतर बोला था, हम 14-15-16 हैं। अच्छा। आप समझते हो 14-15-16 नहीं ना किसी को पता हमारी उम्र नहीं है। वैसे दिल से तो हम 14-15-16 हैं असल में, लेकिन मैंने 14 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं, इन्होंने 15 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं और इन्होंने 16 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं। अनीस बज़मी यंग राइटर, ये मेरे घर पे यारी रोड में रहता था, 1 बेडरूम हॉल में, ये मेरे को स्वर्ग एक पिक्चर बनी थी जिसमें मैंने पहली बार काम किया था, डेविड धवन की पिक्चर थी एज ए राइटर। ये मुझे सुनाने आए, इन्होंने कपिल जो रोल सुनाया और स्क्रिप्ट सुनाई ना पढ़ 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 पढ़, तो उन दिनों में हम डायरेक्टर बनते हैं, मैं यार तू साला क्या सुनाता है यार, और ऊपर से पिक्चर की कहानी इसने कोई 5-7 मिनट के अंदर, और तब अनीश ने बोला था कि सर पिक्चर की कहानी वो होती है जो 5 मिनट के अंदर सुना दो और बंदे के समझ में आए ना, तो इसका मतलब करेक्ट कहानी है। क्या बात। तो ये अनीश, और वो घर मेरे लिए लकी बहुत था, वो बहुत लकी था, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टर आज बैठे हुए हैं। अनीश स्वर की पिक्चर सुनाने आया था और मैं अपनी दिल हाँ। मैं अपनी दिल इनको सुनाने इनके घर पे गया था। मैं बोला सतीश मैंने एक कहानी लिखी है यार, सुन कैसी है। तो इन्होंने उसकी कहानी में बैठे थे हम लोग, मतलब कि यार इसके अंदर क्या सीन होने चाहिए, राय के लिए आए थे। तो उन दिनों में बड़ा मिला जुला काम होता था, आजकल तो डेढ़ डायलॉग किसी से शेयर नहीं कर सकते आप, कहीं चला ना जाए कहीं। इवन अनुपम खेर ये रोल करने तैयार नहीं थे मेरे ख्याल से, आपने अनुपम खेर को डांटा था। मैंने अनुपम को बोला इंदर कुमार का काम कर। अच्छा। क्योंकि इंदर कुमार के सीन जो है ना वो यहाँ से परे होते हैं, वो कंजूस आदमी का रोल, कितना खूबसूरत करेक्टर था और अपना वो पता चलता है कि इतना कंजूस है कि चाय में मक्की गिर जाती है और उसको मक्की निकाल के वो चूस जाता है। अब वो ये गुजराती कमर्शियल सिनेमा का जो होता है ना कमर्शियल डायरेक्टर, वही सोच सकता था ये। अच्छा अनीस भाई भी एक्टर से वो काम करा लेते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देखो वेलकम में जो उदय भाई का करेक्टर था, नाना पाटेकर साहब ने किया, उनको हमने इतने सीरियस सिनेमा में देखा है। माइंड ब्लोइंग। ये अनीस भाई कैसे आपके दिमाग में आया कि नाना पाटेकर साहब को उदय के करेक्टर के लिए मान गए थे पहली बार में वो? नहीं नहीं नहीं, क्या है कपिल भाई कि मुझे हमेशा मतलब मैं हमेशा तो उनको बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मुझे लगता था यार जिस दिन ये कॉमेडी करेंगे ये कमाल कॉमेडी करेंगे, बहुत सारे लोगों को बताएंगे कि कॉमेडी कैसे की जाती है। वाह वाह। तो मैंने उनको फोन किया, लेकिन वो है तो मतलब जिस तरह की आपको पता है, मैंने फोन किया, मैंने नाना जी आपसे मिलना है काय को। मैंने बोला फिल्म सुनानी है, तो खैर मैं गया उनसे मिलने, तो बोले कि हाँ क्या है, नहीं तू मेरे को कहानी नहीं सुननी है, तू अपनी माँ की कसम खा के बोल कि ये फिल्म मेरे लिए ठीक है, मुझे करनी चाहिए। मैंने बोला नहीं आप सुन लो यार, तो बोले कि अच्छा कितनी देर में। मैंने बोला कि भाई मैं आपको 3 घंटे में सुना सकता हूँ, 30 मिनट में सुना सकता हूँ, 3 मिनट में आपको कितने, बोले मैं 3 घंटा है। मैंने 3 घंटा उनको कहानी सुनाई, गले वले मिले,
मुझे आज तक याद है वो डायलॉग, उन्होंने बोला कि मैं अनीस कच्ची मिट्टी है, तेरे सेट पे आएगा जिस रूप में ढलना है ढाल लेना। उसके बाद पूरी फिल्म, लोग कहते हैं कि बहुत तकलीफ देते हैं और बहुत टेम्पर है, कुछ भी मुझे नहीं लगा। मुझे लगा सबसे आसान काम करना जो है नाना जी के साथ। क्या बात, अगर अनीस भाई वो क्या किस्सा था, विजय राज ने गलती से आपकी स्क्रिप्ट फाड़ दी थी, क्या हुआ था? नहीं, क्या हो गया सर कि मेरी फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो मैं 11th आर पे मैंने लिखे हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे नो एंट्री का जो क्लाइमैक्स है वो कभी भी नहीं था, शूटिंग तक नहीं था। अच्छा। उसके अलावा वेलकम का जो क्लाइमैक्स है, तो वेलकम में वो एक सीन था घोड़े वाला जिसमें नाना जी घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो वो सीन जो है जब लिखने बैठता था, अच्छा मैं कल लिखूंगा, और वो दिन आ गया जब शूटिंग है, तो मैं रस्ते में जब जा रहा था लोकेशन पे तो मैं लिख रहा था, और मैं उर्दू में लिखता हूँ, तो मैंने वो किसी तरह कंप्लीट करके मैंने असिस्टेंट को दिया कि भाई अच्छा वो उसमें तो एक ही आदमी है जिसको उर्दू आती है, वो समझा रहा है, वो लिख रहे हैं वो लोग। अच्छा। और मैं नाना जी और बाकी अनिल जी है और अक्षय एंड कैथरीना, इन सबको चलिए शुरू करते हैं, और मैंने पूरा सीन सुना दिया, आप ये बोलिए। सीन का हो रहा है सर, हो रहा है, बस तैयार है। इतने में शॉर्ट रेडी हो गया, तो विजय राज जो है फिल्म में डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला यार मेरे हाथ में कुछ चाहिए, तो वो असिस्टेंट ने वही सीन दे दिया, और उसमें उसको डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और फाड़ देता है, तो वो सारा सीन उसने फाड़ दिया। एक कॉपी है, सब बिखरे हुए, मैंने जैसे कट बोला सारे असिस्टेंट भागे, एक 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 वो पुर्जा निकाला और उसको ज्वाइन कर रहे टेप से वैसे, तो लास्ट तक पिक्चर का सीन खत्म हो गया, शूटिंग खत्म हो गई, वो कंप्लीट हुआ नहीं। मेरे को भी एक बार मौका मिला सौभाग्य अनीस भाई के साथ काम करने का, फिल्म इनके दिमाग में होती है, मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं देखी इनके हाथ में, दिमाग में होती है, जो सीन चल रहा है लग रहा है उतनी देर में लाइटिंग हो रही है, फटाफट ये पेपर पे लिख के दे देते हैं। अनीस भाई कभी कभी आपको डर नहीं लगता कि यार सारे रेडी हो गए, सब एडी बोल देगा कि सर शॉट रेडी है, और सीन अगर नहीं लिख पाया टाइम पे? नहीं, टेंशन तो होती है कपिल भाई, लेकिन क्या होता है कि वो अगर एक आदमी सिर्फ डायरेक्टर है ना, तो उसको जरा ऐसा लगता है चलो भाई स्क्रिप्ट है ये, एक बिल्कुल बाइंड है और ये सही है। जब आदमी राइटर होता है तो उसको रात को जो चीज लिखी है वो सुबह ऐसा लगता है नहीं और अच्छी हो सकती है, तो वो चेंज होते रहता है, तो वो एक प्लस पॉइंट भी है एज अ राइटर होने का, और एक माइनस पॉइंट भी है कि कई मरतबा मेरी फिल्म के कई सीन जो बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं वो हमेशा मुझे लगता है मैंने 11th आर पी लिखे हैं। वाह, चाहे वो, हाँ ऑलवेज। अनीस भाई कभी ऐसा होता है कि 10-15 एक्टर्स का सीन आप कर रहे हो, आपने भी इतनी मल्टी स्टार फिल्में बनाई इंदु सर, आपने भी है ना, 10-15 एक्टर्स हैं और बीच में 2-3 की कोई लाइन ही नहीं है, या। तो वो परेशान भी करते हैं अनीस भाई मेरा, बहुत बहुत, बहुत बहुत बार ऐसा होता है सर, और कई मरतबा उनको लगता है ये हम बोल देंगे, तो आपको एज ए डायरेक्टर आपको एडिटिंग भी सोचनी पड़ती है कि अच्छा चलो ये तो आराम से निकल भी जाएगा, तो वो शूटिंग पे तो चलाक होना पड़ता है। हाँ, तो वो है, और वो शूटिंग पे भी आपका जो ना थोड़ा ऐसा चलता रहता है, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा, उस समय आप करने देते कि चल कर ले फिर। बट मैं आपको बताऊँ, कुछ एक्टर्स जो है जो इनसिक्योर नहीं होते, अच्छे एक्टर्स होते, उनके साथ बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने नाना जी और अनिल के साथ जब काम किया था, अनिल जी के साथ वेलकम, उसमें पीछे 3-4 बड़े अच्छे कैरेक्टर थे जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत में प्यार में मेरे साथ काम किया था, मुश्ताक खान और ये, उनके रोल नहीं थे ना कोई डायलॉग था, तो मैंने कहा था मैं कुछ करूंगा, लेकिन अभी ये है कि दोस्ती यारी में आ गए थे, तो अभी कई मरतबा शॉट लगने के बाद मैं कहता था अच्छा नाना जी काम करिए, ये डायलॉग आप मत बोलिए, मुश्ताक भाई आप बोलिए, तो कई मरतबा सीन लिखा हुआ है नाना जी का और अनिल जी का, बट डायलॉग्स मैंने उन लोगों को सेट के ऊपर शूटिंग पे, पहला 2 टेक कुछ और हो चुका है, 3रे टेक में कुछ और है, तो इस तरह भी किया है। बट मुझे लगता है कि वो एक जादू ही होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, उस नशे में रहते हैं, और थोड़ा इम्प्रोवाइज करना, थोड़ा चेंज करना, थोड़ा, तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से सीन बनता है। अच्छा, आपने अरुणा ईरानी जी को इतनी फिल्मों में देखा है, वो मैं आपको बता दूं इंदु सर की बड़ी बहन ही है। फिल्म बेटा में अरुणा जी को पहली बार हमने नेगेटिव किरदार में देखा, जो परेशान करती रहती हैं, है ना? आपने जब उनको पहली बार ऐसा नेगेटिव किरदार ऑफर किया, उन्होंने कहा नहीं कि मैं कौन सा खड़ूस ननद बन के आपकी बीवी को परेशान किया है, मेरे को ऐसा रोल क्यों दे रहे हो? कैसे एकदम से आपने अरुणा जी को ऐसा रोल दे दिया? अरुणा जी इज लाइक अ फादर टू अस, तो अच्छा, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने ही हमको पाल पोस के बड़ा किया है, सब अच्छा भाई बहनों को। तो आज भी अरुणा जी के सामने किसी की आवाज़ नहीं निकलती। हाँ। ये एक फैक्ट है। अब मैंने क्या गलती की थी, मैंने एक कोई और लेडी को कास्ट कर लिया था उस रोल में। अच्छा। और अरुणा जी के दिल में लग रहा था कि यार इसने मुझे कास्ट नहीं किया और ये लेडी को कास्ट कर लिया, पर उसके पीछे एक कारण था। मैं भी वो आदमी इस दुनिया में है नहीं, तो मैं उनके प्रेशर में आके मैंने ये काम किया था। अच्छा। तो शूटिंग से 3 दिन पहले मुझे जावेद साहब का और शबाना जी का फोन आया
और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, हिंदू जी आप यार बहुत ही मतलब ना समझ इंसान है। बोला क्या हुआ चाहे साहब, क्या हुआ, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई? बोला नहीं हिंदू जी, आपके घर में इतना बड़ा स्टार है, आपने अरुणा जी को क्यों नहीं लिया? अच्छा। मैंने बोला यार कसम खुदा की मैं यही चाह रहा था, लेकिन वो जो ऊपर एक था वो करने नहीं दे रहा था। अच्छा। तो अब वो भी नहीं है इस पिक्चर में, मैं अब भी जाता हूँ। मैं उसी वक्त अरुणा जी के पास गया घर पे, उनको बोला डरते डरते अरुणा बहन वो रोल आपको करना है, दो मिनट मेरे को ऐसा लुक दिए, मुझे लगा अभी एक झापड़ आने वाला है कि बाहर निकल, मेरे को नहीं करना है। ठीक है, इतना लेट क्यों आया? लेकिन आप उस आदमी को जानते हो, तो वो राइटर थे उस पिक्चर के, तो वो मुझे बोल रहे थे ये मिसकास्ट हो जाएगा और तेरी पहली पिक्चर है, तू मरेगा, तो डोंट डू दिस। तो मैं आप ही के पास आना चाहता था। फिर उन्होंने रोल किया और उनको अवार्ड भी मिला, तो मुझे लगा जो उन्होंने हमारे लिए किया, जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसका इतना सा एक कण मैंने उनको वापस दिया। क्या बात है शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो 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 हेलो, शर्मा जी वो ओटीपी आया होगा जल्दी से, 2 ना 20 मैंने शॉपिंग की है। शॉपिंग तुमने की, ओटीपी मैं क्यों दूं? अरे तुम्हारी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है तो ऑब्वियसली तुमसे लूंगी ना ओटीपी, जल्दी दो या वो 10 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा। का शादी भी ऐसे होती ओटीपी की तरह कि 10 सेकंड में आपने हाँ नहीं बोला तो शादी कैंसिल, दूसरी करो। इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो इनके सामने? वो तो खुद घर से बाहर इसलिए निकले बीवियां ओटीपी ना मांग ले। हाँ नहीं तो आज कोई प्रमोशन थोड़ी है, हम तो वैसे ही बातें कर रहे हैं। फिर तुम इधर उधर की बातें लेके शुरू हो गए, मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस तो कराओ। अनीस भाई आपने भूल भुलैया 2 बनाई ना, हाँ तो ये मेरी जिंदगी की मंजुलिका है ये। सर आप लोग इतने एक्सपीरियंस है, मेरे पति को कुछ समझाइए ना, मतलब शादी के बाद से बीवी से प्यार ही नहीं करता। आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, कृपया इसे समझाइए कि जब प्यार करने की उम्र निकल जाती है उसके बाद आदमी शादी करता है। क्यों आती है मेरे मेहमानों को तंग करने? तो फिर दोबारा प्यार करना सीख लो ना, इंदर सर ने फिल्में बनाई है, दिल इश्क मन, हाँ इतनी रोमांटिक फिल्में बनाई है सर ने, तो मैं इनकी मस्ती ग्रैंड मस्ती उससे ना सीखूं कुछ? वो भी तो इन्होंने बनाई है, वो भी तो इन्होंने बनाई है। मस्ती मस्ती याद है, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में जो बीवियों से प्यार करने वाला जो मैसेज था वो याद नहीं है तुम्हें? वो मैं क्लाइमैक्स में पॉपकॉर्न खाने चला गया था। क्लाइमैक्स में कौन पॉपकॉर्न खाने जाता है? जिसकी जिंदगी का ओपनिंग सीन खराब हो जाए ना वो जाता है पॉपकॉर्न लेने। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मोबाइल है तुम्हारे पास ना, इसमें फ्रंट कैमरा है। हाँ है। इसको ऑन करके ऐसे करके देखो, तुझे मेरी प्रॉब्लम दिख जाएगी। किसी दिन मैं चली जाऊंगी ना, तुम ना तकिए में मुंह डाल के रोगे तुम। तकिए में मुंह डाल के मैं जूही चावला हूँ जो मैं तकिए में मुंह डाल के रहूंगा? मैं तो खुश हो जाऊंगा, तालियां बजाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। तू जाकर तो देख एक बार, आ गई डबल बेड की चादर की साड़ी बना के। सर इतना कुछ बोल रहे हैं आप लोग, डायरेक्टर कट बोल दो बीच में। वो मेरी वजह से चुप बैठे, नहीं तो उनका तो पैकअप बोलने का दिल कर रहा है तुम्हें देखकर। पब्लिक चाहती है हमारा तलाक हो जाए, वो भी तो पब्लिक। कितनों को बुलाया तुमने? इतनों को बुलाया तुमने? तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मैं सर लोग से बात कर लेती हूँ, तुमसे तो मतलब। ओए एक एक रुपया दे के वीडियो गेम खेलने वाली लड़की। तुम्हें क्या पता फिल्मों के बारे में, तुम क्या बात करोगी उनसे? तुम नहीं पता होगा मुझे कुछ, सर मेरे पापा ना ईडी रह चुके हैं। पापा ईडी नहीं रह चुके, ईडी ये, इसके पापा येड़े थे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें अपने मेकअप की कसम अगर तुम पलटी तो इस बार। अपनी बात पे जमी रहना, बात करना मत। सतीश सर आप ना हमारे रिश्ते पे ना आप एक फिल्म बना सकते हो। हाँ जी। कि शादी के पहले लड़का लड़की के पीछे पीछे घूमता रहता है लेकिन शादी के बाद भाव भी नहीं देता। फिल्म का टाइटल होगा घर की मुर्गी दाल बराबर। वाह अच्छा है। यस। सारी बीवियां अग्री करती है। करेक्ट। यस। ये कहानी पूरी नहीं बता रही, ये पूरी कहानी मैं बताता हूँ आपको। एक लड़का लड़की शादी होती है, होती है। उसके बाद में पूरा लड़के का ससुराल आके अपनी बेटी के घर रुक जाता है। टाइटल भी है मेरा 20-20 नान दामाद परेशान। ये लोग इतना इतना परेशान करके रखा है इन लोगों ने। यार वो तो सिर्फ
मेरे प्यार की वजह से रुके हैं। तो प्यार तुमसे करते ना, मेरे घर पे क्यों रुके हैं फिर? देखो ऐसे हमें ज्यादा मत बोलो, हमारे गांव में भी हमारी पुश्तैनी हवेली है, बिल्कुल भूल भुलैया जैसी। हाँ कोई सर कुछ नहीं था, वो अंग्रेज वहां घोड़े बांधते थे, इसके पिताजी ने चुड़ैल बन के लोगों को डराना शुरू कर दिया, लोगों ने वहां आना बंद कर दिया, इन्होंने रहना शुरू कर दिया। हवेली तुम लोगों की बड़ी है। हम लोग बातें कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रही हो आके मेहमानों को? अरे मैं परेशान का, मैं तो शॉपिंग कर रही थी। देखो अब दोबारा से ओटीपी आएगा, प्लीज मुझे दे दो, मुझे मॉइस्चराइजर लेनी है पापा के लिए, प्लीज। पापा के लिए मॉइस्चराइजर? हाँ। पापा ने मिनी स्कर्ट पहन के डिस्को में जाना है? पापा को क्यों चाहिए मॉइस्चराइजर? यार मजाक मत करो यार, ठंड में पापा को खुश्की की बहुत प्रॉब्लम होती है। खुश्की की वो तो इंजॉय बड़ा करते हैं खुश्की को, मैंने देखा है इसके दोनों माँ बाप यहाँ पे है ना, ऐसे लकीरें मार के जीरो काटा खेल रहे थे। बातों में ना मिर्च मसाला डाल के सुनाने की आदत है। तो बातों में डालूंगा, बाकी मसाले तो खत्म कर दिया तुम्हारे माँ बाप ने। तेज पत्ता खा गया धीरे धीरे करके। कपू बहुत हो गया, अब मैं नाराज हूँ तुमसे, इनाफ इज इनाफ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। नहीं मानूंगी मैं। नहीं, मैं मना नहीं रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ जब नाराज होते ना तो रुकते नहीं, निकल जाते हैं। जाओ बड़ी बड़ी बातें करते रहो ना, आज रात को डिनर में बातें खाना तुम। बस सर जिंदगी कट रही है। क्या कहें सर, जैसे आप सब हिंदी फिल्में बनाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है जो एक्टर्स होते हैं ना, कई एक्टर्स नॉट ऑल, कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। सो व्हाट इज माय सीन, हमारे शो में भी कई ऐसे आते हैं। सो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, अच्छा उनको एक मैंने एक्टर के सामने बोल दिया सर आज हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं। व्हाट इज दिस दिहाड़ी? दिहाड़ी मतलब जो कमाने निकलते हैं हम। तो जब आपको कोई देहाती करेक्टर समझाना होता है, कोई ऐसे एक्टर आपको मिलते होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, परेशानी नहीं होती उस समय? नहीं, मुझे तो काफ़ी ऐसे एक्टर्स मिले हैं एंड वो सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं, और मुझे हमेशा ये लगता है कि ठीक है अच्छी बात है वो अंग्रेजी जानते हैं करते हैं, बट एक जिस तरह की फिल्म कर रहे हैं थोड़ा सा उनको, कई ऐसे मिले मुझे, बट मैं उनको मैनेज कर लेता हूँ कि भाई कहाँ तक उनकी अंग्रेजी सुननी है और कहाँ हमको हमारा देसी बन लेके आना है। क्या बात। नवाज भाई एक बार इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो कहते हैं के डी आके मेरे को इंग्लिश में समझा रही है, तो सर यू नो व्हाट द सीन इज, कहता मैंने कहा रहे फिल्म हिंदी में बना रहे हो, मेरे को हिंदी में समझा दो। वो होता है ऐसा। अनीस भाई के बारे में हमने सुना कि जब ये राज कपूर साहब को असिस्ट कर रहे थे तो एक बार डर के बाथरूम में छुप गए थे, क्या हुआ था अनीस भाई? सर क्या है कि राज साहब जो हैं वो दिन में 3 या 4 शॉट लेते थे एंड बड़े खुश होते थे कि भाई 4 शॉट आज हो गए, 3 शॉट हो गए, अच्छा इस तरह का था माहौल। लेकिन एक दिन जो है वो पता नहीं किस मूड में थे, कुछ 17-18 शॉट ले लिए एंड एक बड़ी खुशी का माहौल था पूरे सेट पे, राज साहब सारे एक्टर्स थे और सारे असिस्टेंट सब 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 सब, बहुत खुशी का माहौल था। करीबन उस खुशी में उन्होंने बोला रात को आज पार्टी है, अच्छा तो बहुत आलीशान पार्टी वार्टी सब अरेंज हो रही है। कुछ 7:30 बजे मुझे लगा कि कुलभूषण खरबंदा जो थे उनको ड्रेस रॉन्ग दे दी हम लोगों ने, तो मैंने मेरे एक दूसरे असिस्टेंट थे राजीव कपूर उनको बोला तो वो चुप हो गए, उसने तीसरे को बोला, तो 5 आदमी जो असिस्टेंट है वो सेट पे बहुत खुशी का माहौल है, सब खुश हैं, ये सिर्फ 5 लोग टेंशन में है कि अब क्या होगा। तो हमारे जो चीफ असिस्टेंट थे मिस्टर कलाचंद्र उनको हम लोगों ने बोला सर आप बता दो ना तो मार डालेंगे ये, क्योंकि राज साहब जो है यार बहुत जबरदस्त चीखना चिल्लाना और बाबा, तो राज साहब की तरफ वो जा रहे थे, हम लोग धीरे धीरे गेट की तरफ आ रहे थे शूटिंग से। जैसे उनको बोला राज साहब बहुत अच्छे मूड में थे, उनका खाली से रिएक्शन आया और उन्होंने बोला वेर इज माई असिस्टेंट, चिल्लाया उन्होंने, हम लोग सब भाग गए। कोई यहाँ। लेकिन अब यह है कि किसी तरह उन्होंने बुलाया, बहुत जितना बोलना था सबके सामने जितनी बेइज्जती कर सकते थे जो वो हुई, और उसके बाद यह है कि रात को पार्टी भी है तो वहां पे भी जाना है। कोई असिस्टेंट पार्टी में जाना नहीं चाह रहा है लेकिन जाना है पार्टी में, और फिर पार्टी रात के 2-3 बजे तक वहाँ सारे लोग जो है सिर्फ इतने ही देख रहे, शमी कपूर साहब और बहुत बहुत लोग थे, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, और सब लोग ये क्या ड्रेस रॉन्ग दे दिया। हर आदमी ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मतलब कितना बड़ा क्राइम हो गया है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे मैसूर, तो उस गुस्से में साहब ने सबकी प्लेन की टिकट कैंसिल करवाई और जो एक लाइटें वाइटें रखते हैं जिस ट्रक में उसमें सारे असिस्टेंटों को बोला कि ये लोग मैसूर जाएंगे। मेरे ख्याल से वो हम लोग निकले अपना चैम्बूर से और उसके नीचे कुछ एक मशीन था वो गिर गया, तो मैंने पूछा मैसूर कब आएगा, खैर हम लोग 3 दिन बाद पहुंचे।
और हम जैसे जैसे बोल रहे ना कि कई बार असिस्टेंट से गलती होती है, ऐसे में कई बार डायरेक्टर से भी गलती हो जाती है। अच्छा जी, मैं आपको अपनी पिक्चर हमारा दिल आपके पास है, अच्छा, जो मैंने अनिल कपूर और ऐश्वर्य राय के साथ बनाई थी जी, उसमें मैं एक दिन ना बड़े प्रॉब्लम में फंस गया। मैं सीन शूट कर रहा था और मैंने उसमें एक रोल के लिए हमारी NSD की मेरी जूनियर है और बड़ी कमाल की गजब की एक्ट्रेस है मीता वशिष्ठ, ठीक है ना, तो मैंने ऐश्वर्या की एक फ्रेंड के लिए उनको फाइनल किया था और मैं हैदराबाद में सेट के ऊपर सीन शूट कर रहा था और एक शॉट हो गया, दो शॉट हो गए और शॉट लेते लेते और सीन करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैंने मीता को गलत कास्ट कर लिया। क्यों? मेरे को लगा कि ये रोल जो है ना ऐश्वर्या के सामने ये कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ गलीबल पर्सनैलिटी चाहिए थी, कोई प्यारी पर्सनैलिटी चाहिए थी, एंड शी हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, यू नो, तो वो ना बैलेंस नहीं हो पा रहा था। एज ए डायरेक्टर का होता ना कि गलती हो गई मेरी यार, इसको मैं क्या करूं यार। तो मैंने ना शूटिंग मैंने लंच ब्रेक कर दिया जल्दी 12 बजे ही और मैं मीता जी के पास गया और मीता को मैंने से बोला, मीता मेरे से ना एक गलती हो गई है। कहती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मैंने कहा आप है ना गलत कास्ट हो गई उसके अंदर को, है ना, और मैंने उनको अपना रीजन बताया एंड शी सेड इवन आई एम फीलिंग दैट आई एम रॉन्गली कास्ट इन दिस, यू नो। और हम दोनों ने लंच में बैठ के डिसाइड किया कि इस रोल में कौन होना चाहिए। और डिसाइड करने के बाद अपना तनाज करीम लड़की है ना, एक वो थोड़ी सी स्वीट और इस तरह की गलीबल पर्सनालिटी की लड़की थी वो, तो हम दोनों ने तनाज को कास्ट किया। मैंने उसी वक्त उसको फोन किया कि तनाज ऐसे ऐसे है, कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग, आई विल कम दिस थिंग, एंड आई हैड ए लेविश पार्टी फॉर मीता वर्सेस दैट डे। आज भी मेरी कागज लास्ट पिक्चर में काम किया, but hats off to her that she listened to it aur meri galti ko usne galti ko theek kiya usne badi baat ho gayi। are sir kagaz bhi badi kamal ki picture banayi aapne, kagaz 2 bhi aa rahi hai। ha kagaz 2 thode thode kagaz reh gaye the usme pichli wali mein, abhi to ye kagaz aur hote rahenge ki kagaz hamari zindagi ka sabse bada aham hissa hota hai, तो कागज 2 कल ही शूटिंग खत्म हुई है उसकी सारी। क्या बात है, बड़ा बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है वो। वाकई आदमी जिंदा सामने खड़ा है उसके ऊपर नहीं मानते लोग, कागज दिखाओ कि ये है कि नहीं है, पर क्या बात है सर। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना नीज भाई, आप तो राइटर भी, आप समझते हैं इस बात को, राइटर ने लिखा कि हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में गाना गा रहे हैं जी, पीछे से प्रोड्यूसर को नहीं मारता है कि लोनावला कर स्विट्जरलैंड का, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने लिख दिया हो बड़ी लोकेशन दूर की, फॉरेन की? नहीं सर, मैं हमेशा ही लिखता हूँ कि बोले लोकेशन क्या है फॉरेन की, जहाँ से सब्सिडी ज्यादा मिल रही है। तो हाँ, मुझे लगता है कि यार मैं इस तरह काम करता हूँ। बट मेरे एक राइटर दोस्त थे, वो बेचारे बहुत अच्छे राइटर थे लेकिन उनकी कोई कहानी ले ही नहीं रहा था क्योंकि वो काफी बड़ा सोचते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी समझ में आने लग गया, तो वो फिर सुनाना ऐसा शुरू किया था उन्होंने कि एक बहुत बड़ा बंगला है अपना, जुहू का जानकी कुटीर भी हो सकता है। तो हर चीज का अल्टरनेट लेके, जबकि मैं आपको बताऊं, हम तीनों की आदत है ना, एक आदमी ने खराब किया है। किसने? जिसका उल्टा होता था कि उसको बोलो कि सीन लोनावाला का है तो कहता है स्विट्जरलैंड में शूट करो, बोनी वो है बोनी कपूर। नीज भाई, वो जो फिल्म में मैं भी था उसमें 5 दिन गाना शूट किया था जयपुर में, मेरा इसमें एक सीन था कि लीगल इशू ऐसे करके मैं भी 5 दिन एंजॉय 5 स्टार। अच्छा जैसे ना सतीश सर, हमने देखा है, आप सब गवाह होंगे, जब कोई फिल्म देखते हैं हम, फिल्म के अंदर भी दिखाते थे, फिल्म के अंदर के फिल्म की शूटिंग हो रही थी, हीरोइन की मम्मी जरूर आती थी। वो किसके लिए आती थी, एक्टर के चक्कर में आती थी कि डायरेक्टर के चक्कर में आती थी? मम्मी तो अपनी बेबी के लिए आती थी, असल में नजर रखने आती थी सतीश, है ना। हाँ, पर डायरेक्टर भी मम्मी को ज्यादा भाव ज्यादा देते थे असल में, क्योंकि उधर तो काम बन नहीं सकता, तो मम्मी पे काम बन जाएगा। उदयवान, उदयवान, आपको मैं शॉल से सम्मानित करता हूँ। अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे भैया, ये लोग द कपिल शर्मा शो देखने आए हैं। और ये क्या भैया, आज आप उदय शेट्टी कम उजड़े हुए शेट्टी ज्यादा लग रहे हो। तू भी मजनू कम मूछों वाली मंजू ज्यादा लग रही है चिकनी। अरे क्या बात है, बड़े बड़े डायरेक्टर आए हैं। क्या बात है सर, अच्छा है अच्छा है, इधर आ। हाँ, तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि मैं तुझसे नाराज हूँ?
मुझे तुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तू जा यहाँ से। हाँ तो तू जाना एड़े माइक को जाऊं। बस तेरी यही मीठी मीठी बातें मुझे तुझसे नाराज नहीं होने देती। लेकिन तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया सतीश जी। आज मैंने इसे कहा कि मैं ऑटो की विंडो सीट पर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विंडो से बाहर बादल झांकने थे, लेकिन इसने मना कर दिया। भैया ऑटो की विंडो सीट से बादल कैसे देखते हैं? ऐसे। पिछली बार भी आपने ऐसे करके देखा था, बस आई आपको ठोक दी। मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे बस ने ठोका, तू खड़ी बस के अंदर करके मुंडी ठोक देता। मैं बताता हूँ इंदर जी, वाह वाह, आज मैं तेरी पोल खोलूंगा। इतनी गर्दन हिलाता है, आज तक हम गले नहीं मिल पाए। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, आइए मैं आपको गले लगता हूँ। मजनू मेरे बच्चे। अरे मजनू, अरे मजनू, अरे भैया आपने मेरे डैडी के सामने मुझे धक्का दिया। तूने बताया नहीं अर्चना तेरा डैडी है? भैया मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंदर जी की बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले उन्होंने मुझे बेटा बनाया था। और इंदर जी जैसे आपने मुझे लेके बेटा बनाया, वैसे आप मेरे बेटे को लेके पोता बनाइए। अच्छा है, अच्छा है। थैंक यू भैया। थैंक यू नहीं, मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है, उसको लीजिए। भैया मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है। इतना बड़ा हो गया तू, अच्छा है, देख रहे हैं अनिश जी, इतना बड़ा हो गया, भाई से जुबान लड़ाता है। अरे भूल गया इतना सा था जब तू पैदा हुआ था। भैया इतना सा क्या होता है, मैं बच्चा था कि फोड़ा था। अरे तू जो भी था, सोने से पहले तू मेरा ही अंगूठा चूस के सोता था। तो पैर के अंगूठे कौन चूसवाता है? कैसा एड़ा है, अरे हाथ के अंगूठे पे तेरी मूछे चुभती थी। सतीश जी यह पहला बच्चा था, पैदा हुआ था 2 किलो का था, मूछे इसकी 2.5 किलो की थी। बच्चों का मुंडन होता है, इसकी शेविंग हुई थी। मैं भी आपके बारे में बताता हूँ। सतीश जी आपको पता है, मैंने इनको बोला कि भैया दुबई में जाके पेट्रोल का कुआं खरीदो, इन्होंने कुआं खरीदा उसमें आग लगा दी। तो मैं कैसे पता करता कि वो कुआं है पेट्रोल का के या नहीं? हाँ बात करता है, मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक किया, लेकिन 3 घंटे तक जो अनार बम चला उसका अलग मजा आया मुझे। बस भैया आपकी यही हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ठीक है बताता हूँ मैं तेरे बारे में भी। इसको मैंने फिरौती लेने के लिए भेजा अनिश जी, मैंने कहा डॉक्टर के यहाँ जा फिरौती लेके आ। तो ये डॉक्टर के यहाँ पेंटिंग पे बंदूक बनाकर ले गया, कहता हैंड्स अप। डॉक्टर ने पहले इसकी बंदूक फाड़ी। सही है। उसके बाद इसके कपड़े फाड़े। उसके बाद नहीं नहीं हाँ बस कर बस। अपना भी बता झापड़ी के बोलना। कंट्रोल उदय कंट्रोल। अच्छा है आज कोई कंट्रोल नहीं करोगे नहीं। क्योंकि आज आप डायपर पहन के आए हो, खुल के करो दिना दिन दा भैया। मजनू किसके साथ बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। सतीश जी अनिश जी इंदर जी आप लोग इतने बड़े डायरेक्टर हैं, करोड़ों रुपया कमाया है अपने फिल्मों से, थोड़ा सा 10 लाख रुपया मिलेंगे? हमें अर्जेंटली गोवा जाके अय्याशी करनी है, प्लीज। फिल्म इनकी हिट हुई है। भैया ऐसे पैसा नहीं मांगते, थोड़ा इमोशनल इमोशनल इमोशनल। अबे प्लीज 10 लाख रुपया दे दी। अबे अर्जेंटली गोवा जाके अय्याशी करनी है। भैया ऐसे मत रोइए, मेरी हंसी निकल जाएगी। मैं बता दूं कैसे मांगते हैं। सर प्लीज हमें पैसे दे दीजिए, हमें हमारी माँ का इलाज करवाना है गोवा बीच पर। बीच पे माँ का इलाज कैसे होगा मतलब? अरे जब हम दोनों भाई एंजॉय कर रहे होंगे बीच पे, साथ में अय्याशी कर रहे होंगे, तो हमारी माँ हमें खुश देखकर ठीक हो जाएगी।
बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ के लिए कुछ नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हाँ। जैसे कपिल को कमाता देख उनकी माँ अर्चना खुश हो जाती है। क्योंकि उनको पता है कि जब तक कपिल कमाएगा तब तक वो भी कमाएगी। बहुत अच्छी बात कही तूने। सोफा लगा मजनू। जी भैया। वैसे अनीस जी, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, आप लोगों के पास, मुझे गोद ले लो। नहीं भैया, उनको बिच्छू पालने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, आप देख तो रहे होंगे केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो फिर आज आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी है, वेलकम थ्री अनाउंस कर देते हैं। मैं तो कहानी सोच के भी लाया हूँ। अच्छा। और इस बार कहानी मजनू के आसपास होगी, उसी के आजू बाजू घूमेगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया, आई लव यू। तुझे पता नहीं है मजनू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पहला सीन होता है मैं लड़की के साथ घूमने निकला हूँ और वहीं पे चारों ओर से मुझे गुंडे घेर लेते हैं। गुंडे आते हैं, हमला करते हैं और मैं कहता हूँ क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो मैं वहां पे बच जाता हूँ। ये पहला सीन। भैया मैं कहाँ हूँ? तू सेट पे है, तेरे आजू बाजू चल रही है फिल्म। अरे भैया मैं फिल्म में कहाँ हूँ? अभी आएगा मजनू। तो वहां पे मुझे गुंडे अगवा कर लेते हैं, तभी तेरा फोन बजता है। वो कहता है हेलो, डायरेक्टर कहता है कौन है, बीच शूटिंग के अंदर बात कर रहा है, बाहर निकालता है। तुझे सेट से बाहर निकाल देते हैं। अबे झापड़ी के, फिल्म के आजू बाजू मैं घूम रहा हूँ कि फिल्म मेरे आजू बाजू घूम रही है? अरे मेरी एंट्री करवाई है, एंट्री करवाई है मेरी। होती है 20वें माले पे ये खड़ा हुआ है। हाँ। सुपरस्टार। यस। वहां से यह छलांग मारता है और नीचे इसकी लाश पड़ी है। सही है। भैया आप मुझसे बड़े हो तो प्लीज इस सीन में आप मर जाओ ना। तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकता मजनू, अपना भाई बा भरो जाना यार, इतना नहीं करूंगा। देखो सीन शुरू होता है और मैं मर जाता हूँ लड़की पे। क्या बात है। लड़की के बाप को गुस्सा आता है, वो और तुझे मार देता है। भैया प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। भैया क्या हो गया मजनू? क्योंकि मैं आपको गोली मारने वाला हूँ। नहीं मजनू, प्लीज मजनू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं मजनू। एक मिनट, गोली किधर गई? ये। ये कितना एड़ा है, गोली बंदूक में रख के मारते हैं पगले, ऐसे। अरे वाह भैया, आपके इलाज का टाइम हो गया है, चलिए। चलो मेरी घोड़ी, छोटी सी सवारी है तुम्हें। सर आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं, कुछ हमने फोटोग्राफ्स निकाली हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, दिखाइए जरा। अनीस भाई ने ये फोटो डाला है, स्क्रॉलिंग थ्रू ऑल द लव रिसीव्ड फॉर भूल भुलैया 2। नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये टेंशन में है कि बैंक ने ये 125 रुपए किस बात के काट लिए। फिल्म हिट होने के बाद प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट की जगह लड्डू भेज दिए, अब ये हिसाब लगा रहे हैं कितने के लड्डू भेजे। कई लोग दूर से बिजी नजर आते हैं, पास जाके देखो तो वो लूडो खेल रहे होते हैं। हीरोइन के बाहर जाते ही चुपचाप उसके फोन से खुद को फॉलो करवाते हुए अनीस बजमी। और दिखाइए, सतीश सर ने फोटो डाला है हनी सिंह के साथ, इट वॉज फन टू बी पार्ट ऑफ सुपरस्टार सिंगर यो यो हनी सिंह लेटेस्ट सॉन्ग जाम, इट इज आउट नाउ, एंजॉय द सॉन्ग, यू विल लव इट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इस फोटो में एक हनी सिंह है, दूसरा फनी सिंह है। हनी सिंह की आंखें और सतीश कौशिक जी की खुशी देख के लग रहा है कि पार्टी में नोरा फतेही भी आई। और दिखाइए, अभी तो सतीश जी ने सारे बटन लगा रखे हैं,
जैसे जैसे खाना पीना चलेगा एक बटन अपने आप खुलता जाएगा। और दिखाइए, इंदु सर का अकाउंट नहीं है ये, उनकी डॉटर ने डाली है ये फोटो सर, बड़ी हैप्पी फोटो है, हैप्पी फादर्स डे वाले दिन डाली गई है। टू द कूलेस्ट डैड। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी उंगली बता रही है कि आपने 2 पी है लेकिन आपकी आंखों से पता लग रहा है अभी तक 4 हो चुके हैं। किसी ने रिप्लाई किया, भाई उनके हिसाब से तो वो 4 ही उंगलियां दिखा रहे हैं। और दिखाइए, अनीस भाई ने ये फोटो डाला है क्रिकेट खेलते हुए, हिट और मिस, इंजॉइंग थ्रू ए प्लेफुल थ्रोबैक। आइए देखते हैं कमेंट्स। सर आपका एक्शन देखकर लग रहा है आपने क्रिकेट नहीं गिल्ली डंडा ज्यादा खेला है। बॉलर और फील्डर के लिए चेतावनी, जो भी इन्हें आउट करेगा वो फिल्म से आउट हो जाएगा। और दिखाइए, ट्रेवलिंग टू दुबई, मिस ट्रेवलिंग अलॉन्ग विद माई बेस्ट फ्रेंड, वर्क फ्रेंडशिप फैमिली फ्रेंड्स, जय हो। हाँ जी, दिखाइए नीचे कमेंट्स। इनकी खुशी से लग रहा है कि ये दुबई से बैंकॉक भी निकलेंगे। और आगे दिखाइए, अनीस भाई ने फोटो डाला, थ्रो बैक टू ए सीरियस मोमेंट व्हाइल शूटिंग ए कॉमेडी सीन। दिखाइए कमेंट्स, दिखाइए। कार्तिक आर्यन की शक्ल देख के लग रहा है अनीस जी ने स्क्रिप्ट में से उनका रोमांटिक सीन हटा दिया। कार्तिक ने ये चेयर हीरोइन के लिए रोकी थी, उस पर अनीस सर आके बैठ गए। अनीस सर सोच रहे हैं इससे हीरोइन का फोन नंबर तो जल्दी याद हो जाता है, स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही। और दिखाइए, 90 मिनट मॉर्निंग वॉक एंड फिट टू गो फॉर शूट एट फिल्म सिटी फॉर अरबाज खान पटना शुक्ला स्टारिंग माय फेवरेट रवीना जी का टैग किया है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गाड़ी को पार्किंग से निकलते देख सतीश जी पार्किंग का पैसा लेने पहुंच गए। सर मैंने भी वॉक करने का सोच रहा था मगर आपको देख के मैंने विचार त्याग दिया। जब 90 मिनट की वॉक के बाद भी आपकी बीवी कहे 10 चक्कर मेरे साथ भी लगाओ। और दिखाइए, खत्म। नमस्ते सोफा जी, नमस्ते कैमरा जी। और मैं और अर्चना जी हम लोग क्या भुसान में बैठे हुए, हमें क्यों नहीं किया नमस्ते? आपने 1 साल से हमें यहाँ पर बुलाया ब्रो, बच्चा यादव को यहाँ पे बुलाया आपने। बात सही है भाई, मजाक नहीं कर रहे सर, ये बच्चा यादव इस मंच पे 1 साल के बाद आया है। इतने बड़े बड़े कलाकार हमको बुला रहे हैं लेकिन चोटी के कलाकार को, लाइक लिटरली चोटी के कलाकार को बुलाना ही भूल गए आप। तो अब क्यों आया फिर? अब पैसे कम हो गए हैं। वैसे भी शर्मा जी हम यहाँ पर अपनी बातें क्यों कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड ASI आए हैं उनकी बातें करें। ASI मतलब? अरे अनिश जी, सतीश जी, इंद्र कुमार जी, ASI। माना कि आज आपके कंधों पे स्टार नहीं है लेकिन इनके कंधों पे चढ़कर बहुत लोग स्टार बने हैं। लव यू सर। क्या बात है, क्या बात है यार। ये देखिए यहाँ अनीस जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इंद्र कुमार जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सतीश जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं। मतलब ऐसे बता रहे हैं बस के। सर बैठिए। और कुछ लोग तो डायरेक्टर भी नहीं है फिर भी फैल रहे हैं। शर्मा जी आपने वो गाना सुना है गुपचुप 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 गुपचुप? हाँ सुना है। तो उसमें से चुप 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 आप रख लीजिए और गुप 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 हमें इनके साथ थोड़ा सा करने दीजिए। सर हम आप लोगों के बहुत बड़े फैन हैं लेकिन जनता का जो बिहेवियर है ना आपके प्रति वो देख के हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? अरे इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाते हैं, लोग इनकी फिल्मों को देख के हंसते हैं। मेहनत से कॉमेडी फिल्म बनाया है, मजाक चल रहा है क्या? आते बेवकूफ वाली बातें शुरू कर दी ना तूने। इतने दिन कहाँ रह गया था तू? हम भाड़ में गए थे। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, क्या अपने पिताजी से सर बात करने जाते हैं कहते हैं तुम भाड़ में जाओ। मम्मी से बात करने जाते हैं वो कहते हैं तुम भाड़ में जाओ। दोस्तों से बात करने जाते हैं कहते हैं कि बकवास बंद कर तू भाड़ में जा। हमने तो गूगल पे सर्च किया वेयर इज भाड़। गूगल की मोहतरमा ने हमसे कह दिया आप प्लीज भाड़ में जाइए।
हमने कहा यार अगर इतनी पॉपुलर जगह है, सब इतना सजेस्ट कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, तो हम गए भाड़ में, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। कहां थे सब? भाड़ में जाए, हमें क्या करना है? इसका कसूर नहीं है सर, ये भैंस के साथ रह रहे के ना, इसका दिमाग में गोबर भर गया है। उस दिन रात को सोने लगा, कहता मेरे को रस्सी के साथ बांध दूं, मैं क्यों, कहता मुझे क्यों खोल के ना ले जाए। शर्मा जी आपको नाइफ वर्ड मालूम है? नाइफ, हाँ। नाइफ। उसमें शुरुआत में जो के होता है, हाँ। वो क्या है? साइलेंट। आप भी रहिए। सर सबसे पहले तो इंदु जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हाँ। उस फिल्म की वजह से हमारे जो बच्चे हैं ना, हाँ। उनकी स्पोर्ट्स में रुचि बहुत बढ़ गई है। कैसे? नहीं, जब भी हम फिल्म वो देखते हैं अपने घर में, हम बच्चों से कहते हैं जाओ जरा बाहर खेलो। अब वो इतना खेल लिए, हमारा छोटा वाला लड़का स्पोर्ट्स कैप्टन बन गया है। सर स्पोर्ट्स स्टार बन रहे हैं इस देश में आपकी वजह से, आपको पता ही नहीं है। इट्स मैजिकल। मैजिक की बात है, कमाल है। वैसे आप लोगों को एक अंदर की बात बताएं, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, ये क्या है? ओ सॉरी, हमने आपको बंदर की बात बता दी। अंदर की बात बतानी थी। गलती आजकल हमसे बहुत हो रही है। अभी परसों के दिन हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हमने दाल गैस पे चढ़ा दी। इसमें क्या गलती है? इसमें दाल गलती है। इतनी विचित्र बात पिछले एक साल से आपसे की किसी ने? शर्मा जी नहीं। मैं एक बड़ी जरूरी बात पूछना चाहता हूँ, करने क्या आए इधर तू? नहीं बताएंगे। लेट्स कीप इट सस्पेंस एंड थ्रिलर। नहीं मजा आएगा, आप भी सोचिए बच्चा क्यों आया था, क्या करने आया था और क्या करके जाएगा। क्या आप सोचिए, क्या बात है, ये फालतू बातें करने आया तू ये? नहीं नहीं, फिर अच्छा पते की बात कर देते हैं, पते की बात करते हैं। हमको बताइए 9 और 10 के बाद क्या आता है? 11 और 12, गुलाम और बेगम। ये हमने की पत्ते की बात। अनिश जी आपसे एक और रिक्वेस्ट था। हमारे जो दादाजी है ना सर, बहुत ही सीरियस टाइप के आदमी, उनको थोड़ा ऐसा फनी बनाइए ना। वो कैसे फनी बनाए? अपनी फिल्म में इन्होंने नाना को फनी बना दिया, दादा को तो बना ही सकते। और हमारे दादाजी बहुत ही सीधे आदमी है, हर हफ्ते बाल कटाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना? नहीं नहीं, अपने खुद के नहीं, हमारी दादी के। सर इतने बाल कटवा दिए हैं कि हमारी दादी अब वो आपकी फिल्म तेरे नाम के राधे के जैसी दिखती है। आपको बताएं हमारे दादाजी तो इतने फनी है, कल घर से जूते पहन के निकल गए। तो जूते पहनने में क्या दिक्कत? नहीं नहीं, पैरों में नहीं, कान पे। यहाँ एक जूता लटका है, यहाँ एक जूता लटका है, घर से निकल गए। और जाते जाते हमसे पूछ भी रहे थे कि कैसा लग रहा हूँ। अब क्या करें, उनको झूठ बोले क्या हम? तो जिस झूठ से किसी को खुशी मिलती बोल देना चाहिए, उसमें क्या है? अच्छा हाँ। सर रूप की रानी चोरों का राजा क्या फिल्म थी? क्या माल तू बातें कर रहा है तू बच्चा? नहीं फिरंगी भी बहुत अच्छी थी यार। खुशी मिलती है तो बोल देना चाहिए। खैर सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, एक इल्तजा थी, एक दरख्वास्त थी, एक बिनती थी, एक थी। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट थी उसकी तरफ से है थोड़ा। हमने बता दी क्या है अपने जीवन में, हमने ऐसे दूध निकालते हुए हाथ गीले तो बहुत किए हैं, अब सोच रहे हैं हाथ पीले भी कर ले। अनीस जी आपके भूल भुलैया 2 की जो हीरोइन है उनसे अगर थोड़ी सी हमारी बात चला दे। क्या अडवाणी? नहीं नहीं मंजुलिका। क्या करेगा मंजुलिका के साथ, शादी करेगा तू? हाँ चुड़ैल है वो तो। तो क्या हुआ, चुड़ैल से शादी करने के बहुत फायदे हैं। क्या? कभी हमारा झगड़ा हुआ और हमने गुस्से में उससे कह दिया कि तुम एक नंबर की चुड़ैल हो, बुरा नहीं मानेगी। क्योंकि वो है। और खर्चा कितना बचेगा, मेकअप का कोई खर्चा नहीं है, घर में बत्ती बत्ती लाइटें लगाने का कोई खर्चा नहीं, हाथ में एक मोमबत्ती दे दो सारा दिन भटकती रहेगी। बेस्ट पार्ट आपको बताते हैं सर, एक दूसरे के साथ हम फोटो खिंचाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, फोटो में वो तो दिखाई देगी नहीं। लोगों को लगेगा कि हम सिंगल हैं।
फिर उसके बाद थोड़ा मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी चलता रहेगा जीवन में। क्या बात है तेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे, एक बात बोलना चाहता हूँ। गेट आउट ए भैंस, चलो अपना बैल लो और निकलो। अरे सर चलो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जॉक्स का एक पिटारा होता है, जॉक सुना दे, जॉक सुना है। विकी कौशल जो है वो जिस दिन अपने घर पे मटन बनाते हैं हाँ, तो अपनी वाइफ कैटरीना कैफ से क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? हाउस द गोश। अच्छा टाइगर श्रॉफ है, वो अपने घर पे ना मोमबत्ती जलाते हैं हाँ। बुझ जाती है, वो फिर से जलाते हैं, फिर बुझ जाती है, फिर से जलाते हैं, फिर बुझ जाती है, उनको आता है गुस्सा, तो वो मोमबत्ती से क्या कहते हैं? क्या? छोटी बत्ती हो क्या? चलिए सर एक और लास्ट एक। आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग हाँ। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था हाँ। ये सब जानते हैं, दूसरा कदम किसने रखा? किसने? अरे उन्होंने ही रखा यार, एक कर थोड़ी ना था दूसरा। चलिए सर चलते, बहुत मजा आया। चलिए अच्छा सर आप तीनों डायरेक्टर हैं, कभी कोई ऐसा एक्टर कई बार हो जाता ना सुई अटक जाती है और एक रीटेक दो रीटेक और फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर 15-20 कोई ऐसा आपको हुआ हो आपके साथ और आपने सोचा हो कि मैं डायरेक्टर क्यों बन गया, कोई ऐसा भी हुआ आपके साथ कभी? अक्सर ऐसा होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं एक्टिंग जानते हैं लेकिन एक्टर हैं वो। अच्छा नहीं जानते तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक हमारी फिल्म थी जिसमें एक हीरोइन थी, तो उसका एक इमोशनल सीन था, तो उसकी जो ग्लिसरीन की बोतल है वो खो गई, तो वो इतनी टेंशन में आ गई, कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर ये नहीं है तो वो रोने वाला सीन तो हो नहीं सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए सर ये मैं थक गया हूँ, ये 4 मरतबा शॉट ले लिया है, अगर 5वीं मरतबा आप कर पाएंगे तो ठीक है, वरना आपके ओवर शोल्डर से सामने अच्छा एक्टर खड़ा है उसके ऊपर होगा। क्या बात। अच्छा आप सब जानते हैं फिल्मों में बड़ी बड़ी हिट जोड़ियाँ हुई हैं, जैसे शाहरुख, काजोल, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित जी, ऐसे हर किसी को ना जब भी हम फिल्म देखते हैं हमें कहीं ना पर्दे में लड़कों को हीरो की जगह अपने आप में देखते हैं हाँ। लड़कियां जो होती हैं वो माधुरी की जगह अपने आप को देखती हैं हाँ। जितने भी हमारे दर्शकों में पति लोग बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अपनी मर्जी से जोड़ी बना पाते तो किस हीरोइन के साथ बनाते आप? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, घर में आपकी पत्नियां भी हैं तो उस हिसाब से। जी 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 सर, किसके साथ जोड़ी बनाते हैं और क्यों? मेरा नाम मनीष चौहान है और मैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओह वाह जी वाह, क्या बात है, इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर मुझे जोड़ी बनाने की जो अगर चॉइस मिलेगी तो मैं अर्चना पूरन सिंह जी को पसंद करूंगा। अरे मनीष चौहान जी, आंख उठा के मत देखना उसकी तरफ, आपके बाद मेरा भी आंख उठा के मत देखना, उनपे उन्होंने रुमाल रखा हुआ है। क्या बात, मैं कपिल शर्मा शो में ऐसे ही नहीं आता। आपसे पहले मेरा कोई मुद्दा होता है ना। बचपन से मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ और जब से इनका जलवा मूवी देखा है तब से मैं इनको पसंद करता हूँ। आपको पता है जो आप न्यूक्लियर बनाते हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, उसको तो आप कमांड देंगे तब चलेगा, ये कभी भी चल जाती है। नहीं फिर उनके कमांड पे मैं चल लूंगा। आपकी वाइफ आई है साथ में? आई है। मैडम कहाँ आप इनको, भाई साहब को इधर ही पीटना चाहेंगी? पीछे भी कमरे बने हुए हैं, आपके सामने ही देखो आप। मुझे भी अर्चना मैडम बहुत पसंद है, मैं उनको इंस्टाग्राम में फॉलो करती हूँ, उनको सारे वीडियो देखती हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। और कपिल जी रातों को भी कभी कभी जो है ना उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। कभी उठ के चेक कर लिया करो, क्या पता कान पे वही लगा रही हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, शुक्रिया आपका शो में। पीछे भाई साहब ने हाथ खड़ा किया था। जी जी, मेरे टाइम पे तो रीना रॉय थी ना। अच्छा रीना। और नहीं और भी वैसे तो बहुत सारी एक्ट्रेस थी, आपकी सुई उन पे अटक गई है। ये तो चली गई ना अभी। अच्छा मैं चली गई। सर कहाँ से आए आप? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से? मैनचेस्टर में रेस्टोरेंट है हमारा। अच्छा जी, तो उधर ठंड लग रही होगी, इधर इसलिए आए। अच्छा जी, तो आपके साथ कौन आया हुआ है? मेरी बीवी।
तो रीना राय जी आपके दिमाग में बसी हुई है? वो उस टाइम के पहले से ही बसी हुई है। रीना राय जी के बारे में आपकी क्या राय है मैडम? आपके पति शरेआम माइक हाथ में लेके रीना राय जी को याद कर रहे हैं। वो पिटाई तो जरूर होगी रात को, मेरे को पता है। चलो कौन सा पहली बार होनी है? ये पहली दफा पिटाई नहीं हुई है, आपको कैसे पता? अच्छा। सर मैं भी पति हूँ तो। पर बहुत बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करके, शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, ये हमारे भाई हिमालय से तपस्या करके। हाय अर्चना जी, नमस्कार सर, आई लव योर स्टाइलिंग, रियली सो कूल मैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम केतन पानवाला है और मैं बहुत खूबसूरत शहर सूरत से आया हूँ। सूरत से? वाह, एक्चुअली बहुत खूबसूरत शहर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मुझे चॉइस मिलती जोड़ी बनाने की तो मैं काजल जी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। काजल? अच्छा जी। क्योंकि एक संजोग ही था कि उनको डीडी एलजे में उनको जो रोल मिला था वो और मेरी लाइफ में जो चल रहा था वो सिमिलर था। कैसे? अच्छा, उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, मेरी वाइफ की भी एंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा। फिर मैंने वो शादी तोड़वाई और आज हम लोग साथ में। शादी तोड़वाई? शादी तोड़वाई और की है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आप शाहरुख खान हैं? हाँ जी। तो कैसे तोड़वाई? बाल खोल के तलवार घुमाई आपने उनके घर में? क्या किया? नहीं, हम लोग ने भाग के शादी कर दी। भाग के शादी की? वाह। कितने साल हो गए सर आपकी शादी को? 28 साल। तो आपको इस बात पे गर्व है कि अफसोस है? नहीं, गर्व है क्योंकि मेरी सिमरन मेरे साथ है। अरे क्या बात है, यहाँ पे आई है? यहाँ पे आई है मैडम? यस यस सर। अच्छा कहाँ है? अरे वाह, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी आपका। हेलो एवरीवन, हाय। आपके हस्बैंड का लुक मुझे बड़ा ही कमाल का लगा। थैंक यू सो मच। तो ये अपनी मर्जी से रखा है या आप काटने नहीं दे रही उनको? हाँ जी, अपनी मर्जी से ही रखा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त? जी पहली महिला खड़ी हुई है अपने विचार पेश करने के लिए। हेलो कपिल सर। हेलो अर्चना मैम, आई एम काव्या गोयल, आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग? बहुत बहुत स्वागत है काव्या आपका। तो सर, शादीशुदा तो बहुतों के आपने चॉइस सुन ली है जी। सर हमारी तो शादी नहीं हुई है, बट हमारी भी तो चॉइसेस होते हैं सर। अरे आपकी ज्यादा होती है जिनकी शादी नहीं हुई। शादीशुदा आदमी तो मजबूर हो जाता है बेचारा, वो तो ऐसे सपने देखता है। जी आप? सर आप मेरे बहुत बड़े फैन है, इसलिए मैं आपसे अपनी चॉइस शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ? नहीं, ये आपकी बड़ी फैन। अच्छा आप मेरी फैन है? हाँ। ओ कम ऑन बेबी, सर आप भी बहुत हैंडसम हो, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है तो दो बच्चे भी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता। वैसे भी वो नेरी वेस्ट में रहते हैं, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं। जी सॉरी काव्या, आप क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है, तो सर मेरा जैसे चॉइस है कार्तिक आर्यन। अच्छा जी। सर वो भी बड़ा क्यूट है और मैं भी बड़ी क्यूट। ये तो है, आप बहुत क्यूट है। थैंक यू सर। सो सर मुझे लगता है कि कार्तिक के दो अफेयर चल रहे हैं, मुझे पता है। तो क्या अपना काम नहीं तो किसी का भी नहीं बनने देना हमने, हम तो। जी जी। तो सर मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बट सर वो तो सेलिब्रिटी, उनके पास कहाँ टाइम है हमारे लिए। जी। तो सर जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे एक लड़का दिखा एकदम सिमिलर सा आपके सेट में। कौन? अच्छा, है वो? कौन है सर? ये यही बैठे। ओहो। तो वो मुझे खड़ा तो करो, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे एक मिनट के लगा करती है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ा के आए थे दुनिया में तुम्हें बैठे बैठे? तो फिर क्या कहना चाहती हैं आप इसको? यही मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम शाश्वत है, शाश्वत पोदार, मैं सूरत से हूँ। शाश्वत, ये क्या कह रही काव्या, आपको अच्छा लगा सुन के? कपिल भैया मैं तो जैसे बहुत सिंपल सा हूँ, मेरे को तो ऐसा सिंपल सा हो, लड़के तो हो ही। कोई बात नहीं, लोगों के बड़े बड़े चॉइस होते हैं, हीरो हीरोइन, मेरी तो आम चॉइस ही है। ये आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही है। अच्छा तो फिर क्या क्या किया जाए फिर? नो डाउट सर ये बहुत सुंदर है। जी जी। और इनकी जो इमोशंस है उसकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं कार्तिक आर्यन जैसा नहीं दिखता। काव्या क्या करती हैं आप? सर मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे NMIMS में। अपनी पढ़ाई करो चुपचाप, समझ में आया? लड़कों को नहीं देखना। और आप क्या करते हो? मैं भी सर स्टडीज कर रहा हूँ अभी। कहाँ पर? सूरत से, थर्ड ईयर बीकॉम में हूँ। अच्छा चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं। इवन मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए।
आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? ये आपके पेरेंट्स हैं? तभी डर के बोल रहा है। छोटे छोटे मम्मी डैडी। तो सर जी ये काव्या कुछ कह रही हैं आप। कपिल सर हमें लड़की तो बहुत अच्छी लगी लेकिन हमारे जो क्राइटेरियाज है उसमें उतरनी चाहिए। कैसे क्या? मतलब क्या सर इसके मोबाइल में इसके पेरेंट्स की फोटो होंगी तो इसकी मदर की फोटो भी एक बार दिखानी पड़ेगी इसको। नहीं आपने उसकी मदर से क्या लेना देना आपका क्राइटेरिया में आ रहे हैं आप अपने बच्चे की मदर की तरफ देखिए। एक तो बाप यंग हो ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई साहब बड़े शातिर है ध्यान से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भी होगी आज। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू काव्या थैंक यू। कपिल अगर यही सवाल तुझसे पूछा जाए जी कि तू किसके साथ जोड़ी बनाता? मेरी जोड़ी बन चुकी है मैं सिर्फ उसी के साथ ही बनाना चाहता हूँ। लायर झूठा। जब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हो? जी भाई साहब। भाई साहब जोश माइक माइक आ रहा है आपके पास। माइक दे दीजिए भाई साहब को। बहुत तेज आई बात कोई बिना माइक के ना कर देंगे। जी क्या हाल है? हेलो कपिल। हेलो सर कैसे आप? माय नेम इज कर्नल धर्म नारायण। आई एम रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। वेलकम कर्नल साहब। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है जवान आर्मी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई वेंट टू सी माय वाइफ इन 1987। अच्छा जी। एंड आई वुड लाइक टू मेक पेयर विद हर ओनली एंड आई सॉ ऑल हीरोइंस इन हर। हाय 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 आज पहली बार मैंने फौजी डरा हुआ देखा है। बहुत बहुत मजा आया कर्नल साहब आपको मिलकर। शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंदु सर अनीस भाई और सतीश जी के लिए। सतीश सर अनीस भाई इंदु सर इतना इतना मजा आया आज आपसे बातें करके। आपकी फिल्मों से जुड़े हुए किस्से सुन के आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत मजा लिया है। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू कपिल थैंक यू वेरी मच सर। लव यू पाजी। हम तीनों ने बड़ा एंजॉय किया लेकिन शुक्रिया। आज का ये खास मौका मैं जाने नहीं दे सकता। मैं लास्ट टाइम आया था कागज जी फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर और कल ही मेरी कागज 2 की शूटिंग खत्म हुई है। अरे वाह मुबारक। तो मैं आज आपके सामने कागज 2 का लोगो अनवील करना चाहता हूँ कि कागज 2 पिक्चर का प्लीज लेके आइए। कपिल जी हैं अर्चना मेरी जान ये जान। अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों के रास्ते बंद मत करो। क्या बात है सर कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। कॉन्ग्रेचुलेशन सतीश सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार खुल के ताले हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा इंदु सर को अनीस भाई को सतीश सर को। थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया। तो दोस्तों इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहेंगे। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट शुभ रात्रि शब खैर लव यू ऑल थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.